गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग राजेश सर, आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, मेरे को मालूम है, मैं सर पिछले बार भी इस आपके प्रोग्राम में 2022 में भी आया था, तो अच्छा लगता है सर इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो इसके लिए आप लोग को भी आने के लिए धन्यवाद। और सर मैं जगो सर से उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा सर हम लोग दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में ऐसे हेड करते हैं FI को, कि हमारे पास 503 सेंटर्स हैं, टोटल 503 सेंटर्स हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारे चेयरमैन साहब आज नहीं हैं, तो आज कुछ अनाउंस करते हैं कि हम लोग और भी कुछ सेंटर्स बढ़ाने जा रहे हैं। और थैंक यू टू संजय जी, इन्होंने सर हमें अच्छा सपोर्ट दिया है, नॉट ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन बट रिकवरी भी, तो थैंक यू टू ऑल। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सर अच्छा लगता है सब लोग आते हैं, धन्यवाद सर। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक मौका दिया हमको कि संजीवनी के डीसी पार्टनर्स और जो संजीवनी का ऑर्गेनाइजेशन है उससे पूरे रैंक से हम एक बार बात कर रहे हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में हम लोग UBI में 3 रीजन्स हैं, जिसमें मोस्टली DC लोकेशन है पटना का। मैं आपको अगर बताता हूँ तो हमारे यहाँ करीब 300 के आसपास DC लोकेशन है, और उस 300 DC लोकेशंस में संजीवनी का कवरेज हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 45% है। संजीवनी 3 महीने का एक PM SBY और PM JJBY का कैंपेन चल रहा है। साथियों मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि हम कहीं ना कहीं एक समाज, अपने समाज से जुड़े हुए हैं, और एक समाज के प्रति हमारा एक दायित्व भी बनता है, और भारत सरकार हमको ये सेवा करने का मौका दे रही है। तो इस मंच के माध्यम से मैं उपस्थित जो भी संजीवनी के PC चैनल्स हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आगे आगामी कुछ दिनों में हम लोग इसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके इन्रोलमेंट पर खास ध्यान दें और एक अच्छा प्रगति करें। आज लोगों का एक संजीवनी एक एनुअल मीट कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपने दोस्तों से मिलिए, और आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एवरीवन, सभी को नमस्कार। पूरे संजीवनी परिवार से पहली बार बोलूँ, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने इस एनुअल मीट में हम लोगों को आमंत्रित किया, स्टेट बैंक को शामिल करने के लिए आप लोगों ने ऐसा सोचा और बोला, तो और इस सफल आयोजन के लिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं, पूरी संजीवनी टीम को इस बात के लिए बधाई। जहाँ तक एनुअल मीट का है, आप लोगों का एक तरह का ये अप्रेजल है, आप लोगों का फेलिसिटेशन है अच्छे काम के लिए, आप लोगों को अच्छे मंच से सम्मानित किया जाएगा, और ये हर साल बैंकों में नहीं होता है। जहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, संजीवनी और पटना सर्किल का, मैं पटना सर्किल में 2022 जुलाई में आया हूँ, और उस समय से फाइनेंशियल इंक्लूजन का पोर्टफोलियो संभाल रहा हूँ झारखंड और बिहार। जो टॉप 4 पार्टनर्स अगर हम आज की डेट में देखते हैं, खास करके पटना सर्किल में, संजीवनी 4 में से एक मेजर पार्टनर है हमारा, तो आप लोग सभी इस यात्रा में स्टेट बैंक के पार्टनर। और पार्टनर होने का मतलब सुख दुख के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दुख की घड़ी में याद करें और हम सुख में भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एक पार्टनर के रूप में ही उस किसी कॉल को हम अपनाएं, उसका सम्मान करें, और आप लोगों ने किया है। अभी लास्ट 2 महीने की अगर बात करें, मार्च और फरवरी, काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ, और उसकी वजह से पटना सर्किल न सिर्फ सुपर अचीवर बल्कि स्टार परफॉर्मर की कैटेगरी में है पूरे देश में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शिकायत सी भी आती है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कि ये मुख्य काम है इस मंच से, इस ये आप कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जी हाँ, ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, बिकॉज दिस इज बीइंग ड्रिवन बाय DFS, नन अदर देन DFS, और DFS किस तरीके से काम करती है वो आपको पिछले कुछ महीनों में इसका अंदाजा हो गया। तो जो जन सुरक्षा स्कीम है,
वो समाज के लिए ही, समाज के उन तबकों के लिए है जहाँ तक कोई रेगुलर इनकम नहीं है जिनके पास, कुछ अनायास हो जाए, कोई रिस्क आ जाता है उस परिवार में, तो वो उनके सहयोग के लिए। तो मेरा आप लोगों से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जब आप इस चीज़ को पिच करते हैं फील्ड रूरल एरियाज में रूरल मास के साथ, उनको समझाने की कोशिश करें, किसी दबाव में ना करें। जो सरकार की ये जो योजना है ये बहुत ही नेक इरादे के साथ चलाई गई कि सबको कवर किया जाए। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, ये आप सभी लोग इस बात से सहमत हो। उसी चीज़ को हिट करने के लिए, उसी चीज़ को जिसको कहें बैलेंस करने के लिए सरकार ने ये एक प्लान बनाया, एक सोचा, और उसके बाद जब से जनधन चला तो जनधन से जन सुरक्षा की हो 14 में जब जनधन की योजना चली थी, उसके बाद से अब सरकार इसके बियॉन्ड सोच रही है। इसके अलावे अगर बैंक की बात करें या स्टेट बैंक की पर्टिकुलर बात करें, तो जो अपेक्षाएँ अभी इस वर्ष में होंगी, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, कि गो बियॉन्ड जनधन एंड जन सुरक्षा, इसके बियॉन्ड आपको जाके काम करना है। क्योंकि ये जो अपेक्षा है, ये जो पीसी चैनल का कॉन्सेप्ट आया है, वो आरबीआई के परमिशन से और उनकी सहमति से। सो आपका काम कितना महत्वपूर्ण है और कितना आपको इसमें योगदान देना है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। एंड यू आर एज गुड एज द ब्रांच मैनेजर्स, जो CSP होते हैं वो एज गुड एज ब्रांच, क्योंकि वो जो बेसिक बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डू टेक प्राइड इन दिस, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इसलिए RBI ने कहा भी है कि इनको CSP ना कहकर इनको बैंकिंग आउटलेट्स कहा, ये सर्कुलर में इंस्ट्रक्शन। सो कहने का मतलब, आप अपने स्थान को, आप अपने पोजिशन को उसी दर्जे के हिसाब से देखें, उसी उसी की तरीके से आगे आए कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो कि चैलेंजिंग है, बजट भी ज़्यादा मिला है, टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के सामने उनको टारगेट्स मायने रखते हैं। हौसले भी हमारे बुलंद हैं और आप लोग जिस मजबूती से काम कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट वी विल डू इट। तो आप लोगों के बिहाफ पे मैं अखिलेश जी से ये आश्वासन लेना चाहूँगा कि ये जो वित्तीय वर्ष अभी शुरू हुआ है, इसमें संजीवनी नंबर 4 नहीं, नंबर 1 और 2 या सबसे बड़े रूप में उभर किया है परफॉर्मेंस के रूप में, परसेंटेज के रूप में। ये आश्वासन आप लोगों से चाहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।